अमीर, पूरी झाड़ियां जाल से भरपूर हैं। 10 लश्कर भी उनसे लड़ने के लिए भेजेंगे तो बेकार होगा। जब तक ये लोग झाड़ियों में हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। शबस कहाँ है? शबस भी मेरे अक्सर आदमियों की तरह नादी बुटे के जाल में फंस गया है। अलबत्ता मैंने उसे खतरे का बताया था, जाहिरन बसरा हुकूमत की मस्ती ने उसे बहरा बना दिया था। किनायाबाजी मत करो इब्ने हुर, शबस कहाँ है? मैंने अभी अर्ज किया, नादी और उसके साथियों का शिकार बन गया। मर गया? अफसोस के साथ हाँ। बताइए जनाब अखले कुल, मुख्तार का नया मौजजा झाड़ियां थी जिससे तुम सब गाफिल थे। तुम लोग कैसे नहीं समझे कि झाड़ियां जाल से भरपूर थी? क्योंकि मेरा मानना यह था कि मुख्तार छुपकर हमला नहीं करता। लगता है इस खबीज कज़्ज़ाब को बखूबी नहीं पहचाना है हमने। आज के लिए इतना ही काफी है, जंग रोकने का नकारा बजाओ। जी अमीर। आज साहब, आज हमने दुश्मन को जो जोरदार तमाचा लगाया है, उसके बाईस उन्हें होश संभालने के लिए कम से कम एक दिन का वक्त दरकार है। इस बहाने कुछ ऐसा करो कि लश्कर वाले कल की तकलीफ को भुला दें। और हाँ, फारिग हो जाने के बाद मेरे खेमे में आओ, मुझे एक इंतहाई राजदारी की बात करनी है तुमसे। जी अमीर। भाइयों, आप लोग पिछले दिनों के गमगीन वाकयात को भूल जाइए। अगरचे मैं ये जानता हूं कि हमारे ईरानी भाइयों का बेदर्दी से मारा जाना हमारे दिलों पे गहरा जख्म है, इत्मीनान रखिए कि इसका मरहम कल मैदान जंग में जरूर पालेंगे। अमीर मुख्तार के होते हुए, लश्कर खुदा के हुनर को देखते हुए, कल आप सब लोग कई मौजजात देखेंगे जिनका बावर करना खुदा के दुश्मनों के लिए मुश्किल है, और उन मौजजात को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो फिर जाइए, डट के खाइए, सुकून से सोइए, तमाम परेशानियों को भूलकर और तलखियों को सुपुर्द खा कर दीजिए। साहेब, इस लश्कर पर खुदा की खास इनायत है, इनके लिए शिकस्त एक गैर मानूस शय है। कल की कुर्बानियां रमीय जमरात थी के लश्कर खुदा शैतान से गाफिल ना हो जाए। मौजजा यानी मैं, मेरी उम्र का एक बूढ़ा लकड़ी पकड़कर चलता है, सहारे का मतलाशी होता है, उसके हाथ कांपते हैं, उसकी कमर खम होनी चाहिए। मैं तुम लोगों के दादा की जगह पर हूं। अगर खुदा की इनायत ना होती तो बिन अमरो नादी किस तरह से घोड़े पर बैठकर तलवार चला सकता था और जुबैरी नौजवानों की एक फौज को मार भगा सकता था।
कितना नुकसान हुआ है झाड़ियों के परिंदे? अब तक कुछ नहीं बता रहा शहसवार। मेरे आधे अफराद झाड़ियों में गए थे मगर इक्का दुक्का ही जिंदा लौटे हैं। मुझे तो ये हैरत है कि शबस कैसे फंस गया। मैंने बताया तो है कि नहदी बुटे के हमले से। शबस से ऐसी गफलत और लापरवाही बईद थी। तुमसे क्या छुपाना, मुझे भी काफी हैरत हुई जब मैंने देखा कि वो लापरवाही के साथ नहदी के करीब चला गया। यहां तक कि कुछ देर दोनों में गुफ्तगू भी हुई। किस बारे में? पता नहीं, मैं उनसे दूर था और उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक शबस टकराया और घोड़े से जमीन पर गिर पड़ा। और तुमने कुछ भी नहीं किया? मुझे क्या करना चाहिए था, दो पैर मेरे पास थे, दो पैर मजीद उधार लिए और भाग निकला। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ था कि शबस का बदला लेने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल देता। हाँ, और वो भी इस वक्त जबकि तुम्हारी कूफे की निजामत का हुक्म अभी सूखा भी नहीं है। मोहल्लब। हाँ, तुम इब्ने हुर की बातों पर यकीन कर सकते हो? कौन सी वाली? यही झूठी बातें जो उसने शबस की मौत के मुतालिक की हैं। मैंने ये मान लिया कि शबस मर गया, मगर आज नहीं और न ही नहदी बुड्ढे के हाथों से। शबस तो उसी वक्त मर गया था जब उसने अपनी तलवार की कीमत का मुतालबा किया था। हम लोगों को आज ही रात पीछे हटना होगा, मगर ऐसे कि हमारी फौजों को भी सुबह होने तक हमारी इस तदबीर की भिनक न पड़े। आज रात अंधेरा होते ही हमारी आधी फौज के साथ कूफे की जानिब चल पड़ो। अपने घोड़ों की सुमों पर कपड़े बांधो और बगैर कोई आवाज किए निकल जाओ, और सुबह का उजाला होते ही दौड़ते हुए आगे बढ़ना ताकि हरूरा के इलाके से निकल जाओ। अगर किसी ने इस बारे में पूछगछ की तो उसे ये कह देना कि दुश्मन पर शबखून मारने के लिए निकल रहे हो। हरूरा से दूर होने के बाद तुम अपने सिपाहियों को वजाहत करके तदबीर से आगाह कर सकते हो। कूफे पर पहुंचते ही अपनी खसूसी फौज को शहर के असली दरवाजे पर मुकर्रर कर दो और महल के अंबारों को खाने पीने के सामान से भर दो। और अगर उन्होंने हरूरा से बाहर जाने के रास्ते में जासूस छुपा रखे हो तो? शबस के मारे जाने के बायस मुहल्लम और मुसब की उर्दू का हमें काफी हलचल मच गई होगी। मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमारे पीछे हटने का सोच भी सकते होंगे, और खास तौर पर आज जबकि हम मैदान के फाते रहे हैं। मगर फिर भी मैंने कुछ कारिंदे मुहैया किए हुए हैं ताकि तुम लोगों के पहुंचने से पहले शबखून मारने के इरादे से तुम्हारा रास्ता खोल देंगे। काश मैं रुक जाता और आप चले जाते। खुलूस और मोहब्बत मुझसे पोशीदा नहीं है साहिब, मगर आज दुश्मन नामे मुख्तार से ज्यादा डरता है बनस्पत उसकी फौज से, तो मैं रुक कर दुश्मन को मसरूफ रखूंगा ताकि तुम बहिफाजत कूफा पहुंच सको। माफी चाहता हूं अमीर, यकीनन आपने अपने हर तदबीर में हर जावे के बारे में सोचा होगा, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर ना कहूं तो दम घुट जाएगा। कूफियों की बेवफाई से मुताद रहिएगा। मैंने कभी भी कूफियों से वफादारी की उम्मीद नहीं रखी है। मेरे लिए वफाए अजाम कूफियों की बेवफाई के दिनों का जखीरा थी। अगरचे मरहूम बिन शुमैद की गफलत एक अजदहा बन गई और क्याम के कठिन दिनों के जखीरे को डस गई, मगर अभी भी कुछ ऐसी गैर मरई ताकतें मौजूद हैं जो बवक्त जरूरत सामने आकर क्याम की हिफाजत कर सकती हैं। जाओ साहेब, पुरसकून होकर जाओ, अपने और तमाम सरकारी अहदेदारान के अहलो अयाल को कसर कूफा में मुंतकिल कर दो। उम्रा और उम्मे साबित को फरामोश मत कर देना।
गुमराह आ जाएगी, मगर उनमें साबित शायद कुछ जिद बहस करे, उसकी बदतमीजियों को अनसुनी करके उसे कायल कर लेना। बउम्मीद दीदार दरकूफा। इस बेदीन कज़्ज़ाब ने यह साबित कर दिया है कि यह अजम के साथ और अजम के बगैर दोनों तरह से गालिब आने वाला है। शबस न मारा जाता। उसे मालूम था कि मुख्तार के पास कौन कौन से सहारे मौजूद हैं। मुझे शबस के मारे जाने पर शक है भाई। किस बात पे शक है तुम्हें? मुझे पता नहीं, मेरा अंदाजा है। शबस एक मोहताद और सलाह इंसान था, वो आसानी से जाल में फंस नहीं सकता। वो जंग के राज रुगूस से वाकिफ था, उसके खौफ खतर से आगाह था, अच्छे बुरे की तमीज रखता था। ये बात मानने के काबिल नहीं कि वो इतनी आसानी से मर जाए। क्या जाफर का ख्याल ठीक है मौला? हम ख्यालात का दामन क्यों थामे जबकि हर चीज हमारी मर्जी के मुताबिक है? अगर हर चीज हमारी मर्जी के मुताबिक होती तो आज मुख्तार की कमर खम हो जाती। मुझे यकीन है कि शबस को वो बातें पता थी जो हमें मालूम नहीं। मसलन कौन सी बातें? यही मुख्तार की मजीद फौज और मख्फी ताकतें और हैरत अंगेज फनून और लश्करे। शबस ने खामखा एक फजूल की बात कर दी थी और फिर एक चिड़िया के बजाय एक मोटा ताजा परिंदा शिकार कर गया। उसने अपने आप को महंगा बेचने की बात की थी जो उसने किया। बसरा की हुकूमत कोई छोटी कीमत न थी। यही बात एक पहली नहीं लगती जनाब मोहल्लब। शबस इतने शोर शराबे और शर्तो शरूत के बावजूद बसरा की हुकूमत तो हासिल कर गया, लेकिन ये आरज़ू उसके दिल में रह गई। क्या ये अजीब नहीं? शबस हद से ज्यादा दुनिया से हिरस रखता था। तुम यूं क्यों नहीं सोचते कि उस तख्त को पाने की मस्ती ने उसे गिरा डाला हो? ये मान लीजिए कि शबस बसरा की हुकूमत के कबाले के साथ हुकूमत बनी जुबैर के लिए वबाल बन जाता। खुदा का शुक्र कीजिए कि उसका शरदफा हुआ। मोहल्लब, आज जब खुद मुख्तार आया तो हम पहले मुकाबले में मकलूब हो गए। तुम इस बात से फिक्रमंद नहीं हो क्या? नहीं। क्यों? मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, मुख्तार अजमों को खोने के बाद जो उसके लश्कर की अक्सरियत में थे अब हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। वो हरूरा से मजार की तरफ चल पड़ा ताकि हमें रुकावटों की सहमत में डाल सके, और वाकई उसने काफी नुकसान किया है हमारा। उसकी आज की ये कामयाबी इसी जगह की तब्दीली का नतीजा है। अगर मैं गलती पर नहीं तो मुख्तार अपने इस चूहे बिल्ली के खेल के जरिए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना चाहता है। वो जंग को कूफे के अंदर खींच कर ले जाना चाहता है। मुख्तार और पीछे हटना नामुमकिन है। वो अपने आप को करारे गैर फरार समझता है। ये पेशगोइयां दो टके की भी नहीं है। अगर मुख्तार पीछे हटना चाहता और कूफे को ही मैदान जंग बनाना चाहता तो हर किस कूफे से ना निकलता। वो बात करो जो अकल में आए, समझ में आए। मैं सिर्फ अपनी राय का इजहार कर सकता हूँ। अमीर को रद्द करने का इख्तियार है, चाहे तो मेरी राय को कबूल ना करें। मोहल्लब, अगर मुख्तार कल भी आज की तरह कारनामे दिखाता रहा और हमें और हमारे लश्कर वालों को डराता रहा तो मुझे मजबूरन वो करना पड़ेगा जो मुझे पसंद नहीं। मैं आपके इसरार पर आपके साथ खड़ा हूं अमीर। नहीं आपकी धमकी से डरता हूं और नहीं अफसरदा हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आज के बाद खामोश रहूं और बकौल आपके नामाकूल राय न दूं तो ठीक है, मैं खामोश हूं। मोहल्लब, तुम हमारे लश्कर की अकले कुल हो, कुछ ऐसा करो कि मुख्तार कल मैदान हार जाए। बहुत खूब, कल मैं खुद मैदान में जाऊंगा। उम्मीद है शर्मिंदा ना होऊंगा। मैं नसीहत करता हूं कि मुझे एक खैरख्वाह बाप जानिए बनिस्बत एक अच्छे मुशीर के। शब बख़ैर।
تعجب ہے کہ امیر مختار نے شبخون کی رضامندی دے دی. ہمارے ایرانی بھائیوں کے مظلومانہ قتل عام کے بدلے میں یہ شبخون کچھ بھی نہیں. آج کون سی چال سوچ رکھی ہے تم نے؟ زبیریوں کے پاس ایک اکلے کل ہے جس کا نام ہے معلم، جو کہ ایک سوراخ سے دو بار ڈسا نہیں جا سکتا. یقیناً آج صاحب کی ہنر نمائی کا دن ہے، جس نے اپنے حملے کو کل رات سے شروع کر دیا ہے. مجھے نہیں معلوم. اسماعیل جاؤ، اگر میں غلطی پر نہیں تو آج تمہیں بازی دکھانی ہوگی. جاؤ. یہ کیا کر رہے ہو محلب؟ بے وقوف بنا کے وار کر، جادو کرنے کا ارادہ ہے آج میرا جو کام مختار نے کیا. تو مختار کے خوف نے تمہیں بھی وہمی بنا دیا ہے؟ جب تک یہ جھاڑیاں اور یہ جنگل ہوگا مختار پر غلبہ پانا مشکل ہے. جھاڑیوں میں آگ لگا رہا ہوں تاکہ اس کی دل سوز پکار اور سننے والے کو پاگل کر دے. جناب محلب، تم مکار ہو تو مختار مکاروں کا شہنشاہ ہے. ظاہر آتش بازی میں اسے کافی مزہ آ رہا ہے. کیا جادو دکھایا ہے آپ نے؟ اگر خوف نہ ہوتا تو میں مختار کو موسیٰ کلیم اللہ کہہ دیتا اور اسحاق کو اس کی اعجازی عصا کہتا. مجھے خوشی ہے کہ میرا حریف ایک اچھا معجز نما ہے. ہماری حکومت کی سرنوشت آج کی جنگ رقم کرے گی. اس جنگ کو ایک آتش بازی سے مت ہار جانا جناب محلب. جاؤ شہزادے، جاؤ، جو جو دیکھا ہے اپنے بھائی کو بتا دو. آج کی مہارت محلب ہر اس شخص کے لیے دیکھنے والی ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی جرات ہو. مختار، میں جانتا ہوں تم اس وقت کوفے کی راہ میں ہو. کاش تم مزار میں رک جاتے اور محلب کی ہنر نمائی کا منظر دیکھتے. امیر، فوجی تھک گئے ہیں، بہتر یہ ہوگا کہ کچھ دیر آرام کر لیں. نہیں ازل، مجھے ڈر ہے کہ حرورہ کی خبر ہم سے پہلے کوفہ پہنچ جائے اور سارا کام بگڑ جائے. تم تو کوفیوں کو جانتے ہو، رائے کا پہاڑ بنا دیتے ہیں. انہیں صرف یہ پتہ چل جائے کہ مختار پیچھے ہٹ گیا ہے، افواہ پھیل جائے گی کہ قیام کی فاتح خوانی کی مجلس برپا ہو رہی ہے.
भाई, ये जाल है। हमारे बूढ़े शेर, ये साबित कर दो कि जुबैरियों का बूढ़ा भेड़िया हमारे सफेद रेश वाले मुजाहिद को मغلوب नहीं कर सकता। जाओ बिन चाहता, मैं जो चाहता था वो मैंने पा लिया। जाओ, मुख्तार तुम लोगों का मुंतजर है। हम साथ जाएंगे भाई। तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो बिन ज्यादा। वही हुआ जिसका खदशा मोहल्लब को था। मैं ये नहीं मान सकता कि मुख्तार कूफे की जानिब जा चुका है। तो मानो या ना मानो, अब चिड़िया पिंजरे से उड़ चुकी है। क्या करें मोहल्लब? आप मुझसे मुखातिब हैं क्या? अगर मुझे आपकी कारनुमाई का अंदाजा होता तो कभी आपकी आलमाना राय को रद्द न करता। तुम मुख्तार को उसकी मां से भी ज्यादा पहचानते थे। लगता है जनाब मोहल्लब की दुम राजदारी से जुड़ी हुई है। कभी कभार इतनी पुरसरार होती है कि इंसान को डराकर शक में डाल देती है। जाहिरन आपकी दुम को शक से जोड़ा गया है शहजादे। शक अच्छी चीज है, मगर बशर्ते कि वो बीमारी ना बन जाए। मैं जाफर की और अपनी जानिब से माफी मांगता हूं। आज के बाद तुम हमारी जगह एकमात सादर करोगे। अब बताइए कि हम क्या करें। आज ही रात इब्न हुर और उसकी फौज को कूफे की जानिब भेज दो। हमें मुख्तार को इसकी मोहलत नहीं देनी चाहिए कि कूफियों को अपनी जानिब घेर सके। आज ही रात ये काम कर दो जाफर, फौरन। जी अमीर। तर्दीद मत करो जाफर, जाओ। मैं जा रहा हूं भाई, लेकिन मुझे यकीन है तुम अभी तक शबस की मौत पर शक कर रहे हो। तुम्हें लगता है इब्ने हुर ने उसे मारा है ना? मुझे लगता नहीं है जनाबे मोहल्लब, यकीन है। इब्ने हुर मुख्तार का चेला है। फिलहाल इस बारे में खोज लगाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है।
शाह ने क्या किया है? पेशकदमी। पेशकदमी किस तरफ? कूफे की जानिब। बदबख्ती से हमने शिकस्त का सामना किया। ये कैसे हो सकता है? खयानत की वजह से बेबी, खयानत। मोहल्लब ने एक चाल चली, अरब ने आजम पर शक किया, लश्कर टूट गया। तो फिर कियान और बिन कामिल कहाँ थे आखिर? लश्कर का अमीर बिन शुमैत था बानो, उसकी जिद थी कि आजम अफराद घोड़ों से उतर आए। आजम उतरे और दो हिस्से बन गए लश्कर में, कियान और बिन कामिल दोनों ही मारे गए। मुख्तार कितना तन्हा हो गया है। जनाब अमीर का इरादा है कि शहर कूफा को मैदान जंग बनाए। क्यों नहीं, मुख्तार मुश्किल तरीन मैदानों का मुदब्बिर है। वो बखूबी जानता है कि खौफ खतर के दिनों में क्या करना चाहिए। खुदा आपकी जबान मुबारक करे बानो, जनाब एक साहिब का भी यही मानना है। उनका हुक्म है कि वक्त जाया किए बगैर कूफे की जानिब निकल जाना चाहिए। करो साबित, तुम्हारे बाप ने इस तलवार से कौन सा भला देखा है जो तुम देखोगे? जाओ इस तलवार से खेलने की बजाय किताबें पढ़ो, ताकि अपने बाप की तरह किसी जाल में ना फंस जाओ। इंसान की तबीयत जंग की तालिब होती है अम्मा। जंग तो रोज अव्वल से रही है और रहेगी। जो शख्स तलवार को पीठ दिखाता है वो उस शख्स से पहले खाक में गिर जाता है जिसके हाथ में तलवार होती है। ये मिर्च मसाले वाले जुमले भी मुख्तार की मीरास है। मैं खुश थी कि मेरा बेटा एक नजूमी बन जाएगा और अपनी माँ की तारीख मुकद्दर को रोशन करेगा। बेटा साबित, जल्द से जल्द अपनी वालदा को बुलाओ, मैं उनके लिए पैगाम लाया हूं। मेरी माँ से क्या काम है तुम्हें? इस घर का मर्द मैं हूँ, तुम अपना पैगाम मुझे दे दो, जल्दी करो। साबित, मुझे हुक्म है कि तुम्हारी वालदा को पैगाम पहुँचाओ। जाओ उन्हें जल्दी से बुलाओ। बहादुर, क्या हुआ है? माफी चाहता हूँ, खबरें तो बहुत है बानो। लश्कर कूफे की जानिब पीछे हट रहा है। अमीर मुख्तार का इरादा है कि जंग को कूफा शहर के अंदर ले आए। उन्होंने हुक्म दिया है कि आप भी जल्द अज जल्द कसर कूफा को चली जाए। या साहिब सब्र। मेरा दिल कह ही रहा था कि आले सुबह के साथ जंग करने में बिलाकर मुख्तार का खाना खराब हो ही जाएगा। अरे वाह बानो उमरा, आपकी ज़ियारत से बहुत मसरूर हूँ। आप कौन हैं? आपको हक है मुझे ना पहचाने।
कुछ अरसा पहले एक छोटा सा सिपाही था आपके शोहर की रकाब में। तकदीर का क्या कहना, अश्तर के बेटे के लालचीपन ने मेरे और मुख्तार के दरमियान जमीन और आसमान का फासला पैदा कर दिया। और अभी इब्ने जुबैर के लश्कर में हूं, और फिर कूफे को फतह करने के बाद कूफे के हजारों कबीले वाले शहर का नाजिम बनूंगा। आप पहचाना आपने? अच्छा, काश तुम्हारा किरदार भी तुम्हारे नाम की तरह होता। इस बच्ची को देखो, किस कदर डर रही है। ये जो तुम कर रहे हो, क्या ये मर्दांगी है? हरगिज नहीं, बहुत बड़ी बेगैरती है ये। हमारी जंग तो मुख्तार से है, उसके घर वालों से नहीं। बेहतर यही होगा कि आप ये जान लें कि जब आपके अदलो इंसाफ के पैकर मियां साहिब का हाथ मुझ तक ना पहुंच सका, तो मेरी बीवी को कैद कर लिया उसने। अगर मुझे इजाजत होती तो मैं कूफे तक आपकी मुशायत करता, मगर क्या करूं, मैं मजबूर हूं। हमें जनाब मुसब के पास जाना होगा, हतमी फैसला उनका होगा। बाबा का हुक्म है अम्मा, हमें महल जाना ही होगा। अभी मेरा अपनी जिंदगी से दिल नहीं बढ़ा कि महल में जाके जिंदा दफन हो जाऊं। गलत बात मत करो अम्मा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। याद है शिमर और उसके लश्कर वालों के हमले पर भी आपने बाबा को तंग किया था, उन्होंने भी तो महल का मुहासरा किया था। उनका अंजाम क्या हुआ? बाबा ने सियासत से काम लिया और उनका कला कमा कर दिया। मुसब का मामला शिमर और उसके साथियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ना तो मुख्तार पहले वाला मुख्तार रहा है और ना ही इसके साथी कोई ढंग के अफराद हैं। उसके तमाम तर अच्छे सरदार मारे गए हैं। क्यान ईरानी बिन कामिल अरबी बिन अनस बिन शुमैत सब मर गए हैं। अश्तर का बेटा भी मुसल में बादशाहत की हवस लिए बैठा है और मुख्तार से कट गया है। मुख्तार तन्हा है, अगर उसके पास कुदरत होती तो वो हरूरा में मुसब के सामने खड़ा रहता और जंग को कूफे की गलियों तक खींच कर ना लाता। पीछे हटना भी एक जंगी तदबीर है अम्मा। हाँ, लेकिन बशर्ते कूफा मैदान जंग ना हो। अगर मुसब का हाथ कूफे तक पहुंच जाए तो कूफे वाले उसके कदमों की खाक को आंखों का सुरमा बना लेंगे। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है अम्मा, जब मुख्तार की बीवी ही उसके साथ खड़ी ना हो तो कूफियों से क्या तवक्को रखना। आप मेरे बाप के आशिक हैं या नहीं? अच्छा अच्छा, इन बातों का तुमसे क्या वास्ता? सच कहते हैं कि आखिरी दौर आ गया है, शर्मो हया तो तुमको छूकर नहीं गुजरी। तुम लड़की हो जो इश्क आशिकी की बातें कर रहे हो अपनी माँ से। कोई कुफ तो नहीं किया मैंने अम्मा, अब बाबा की आशिक होंगी तो उन्हें तरह नहीं छोड़ेंगी। हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। आप मत आइए, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसे कैसे जा रहे हो? क्या मैं मर गई हूँ कि मेरा बेटा जो चाहे कर गुजरे? तुम्हारे बाप के घमंड और रटाई से तो निमट नहीं सकी, मगर तुमसे तो निमट सकती हूँ ना। चलो अंदर चलो। अम्मा मुंह बंद करो, तुम्हें नहीं मालूम कि जो भी महल में चला जाए वो मुख्तार के जुर्म में शरीक होता है। मुसब ने महल पर कब्जा कर लिया तो सबकी गर्दनें उड़ा देगा, फिर तुम्हारा क्या होगा? काश इस बात की इजाजत होती कि मुझे ऐसा बेटा तुम जैसी माँ का मुनकिर हो जाए। अब मुझे समझ आया कि मुख्तार हमारे इस घर में क्यों नहीं रहता। जो घर इश्क से खाली हो वो जहन्नम होता है। कहाँ जा रहे हो साबित? मत जाओ अम्मा की जान, मेरा हाथ टूट जाए। मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। नाहिला, मेरा भाई ला दो, जल्दी करो, साबित चला जाए। तुम लोग घर के मुहाफिज हो या खेत के पुतले हो? क्या हमसे कोई गलती हो गई बानो? तुम लोग अंधे थे क्या जो मेरे बेटे को घर से भागते हुए नहीं देखा? अरे भागने वालों में से नहीं है बानो, खुदा का शुक्र है वो बहुत अकलमंद और मुअद्दब हैं। वो महल की तरफ गए हैं, बज़ाहिर जनाब मुख्तार का हुक्म है। आप कब तशरीफ ले जा रही हैं बानो? मैं किसी जहन्नुम में नहीं जाऊंगी। ये बाप बेटे एक दूसरे को देख लेंगे तो फिर कोई ताकत इन्हें जुदा नहीं कर सकती। खुदाया मेरा बेटा मुझे लौटा दे। साहिब! अरे वाह, नजूमे शहजादे को देखकर हमारी आंखें ठंडी हो गई। हमारा कमर दर अकरब खत्म होगा साबित। इन बातों का वक्त नहीं है साहिब, मुझे कहीं छुपा दो। क्यों? खुदा ना खास्ता हमारे छोटे अमीर को कोई खतरा लाहक हो गया क्या? मेरी माँ साहिब, मेरी माँ। मैं समझ गया, यकीनन आपकी और आपकी वालदा मोहतरमा के महल में आने के मुझ पे लड़ाई हो गई होगी ना। ये लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा। जल्दी करो साहिब,
अभी आ जाएंगी। या साहिब वहशत, जाओ जाओ उस गाड़ी के नीचे छुप जाओ। वालेकुम अस्सलाम मलका आलिया। ये मलका आलिया का खिताब तुम्हारी माँ बहनों को मिल जाए। मैं उस सरफिरे बेटे की माँ हूँ जो नदी देखे बगैर कपड़े उतार के फेंक देना चाहता है। कहाँ है वो? कौन मलका आलिया? मेरा बेटा। मुझे नहीं मालूम। अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी कि तुम मुख्तार के रंग में रंग चुके हो। झूठ तो तुम लोगों की जात में बसा हुआ है। आमदीद अमीर। शुक्रिया सरदार। क्या खबर? तमाम खबर वही है जो मैंने आपको लिख भेजी थी। दुश्मन की फौज शहर के गैर मारूफ रास्तों पर खड़ी हो चुकी है। हमने भी 3-4 महीनों को खाना जमा कर लिया है। कूफे के लोगों की क्या खबर है? ज्यादातर अपने घरों में छुप के बैठ गए हैं। गोया कूफा लोगों से खाली हो चुका है। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। अगर लोग मैदान में ना आए तो जंग का मामला बिगड़ सकता है। बेइज्जती से आप मेरी और बाबा की इज्जत पर पानी फेर रही हैं। चुपचाप घर चलो। खामखा जबरदस्ती मत करें। अगर आप मुझे जंजीरों से भी बांध देंगी मैं फिर भी भाग निकलूंगा। आप मुझे नहीं रोक सकती। और मैं तुम्हें भागने दे रही हूँ जैसे। चलो। बाबा, मेरी मदद कीजिए। बाबा, अम्मा महल में आना नहीं चाहती और मुझे भी आपसे जुदा करना चाहती है। क्या तुम वाकई बाबा के पास रहना चाहते हो? जी बाबा, मैं मुख्तार का बेटा हूँ। उसकी तमाम तर अच्छाइयों का वारिस हूँ। मैं सिर्फ घर बाग और दरो दीवार का वारिस नहीं रहना चाहता। मुख्तार की बेहतरीन विरासत शमशीर और शुजात है। मरहबा मेरे बेटे, फकत इतना मत भूलना कि मुख्तार की असली विरासत इश्क अली है। मुख्तार, कम अज कम खुदा के वास्ते इस बार तो मेरी लाज रख लो। मेरे बेटे की जवानी पर रहम करो और उसे मेरे हवाले कर दो। मैं नहीं चाहती कि मेरा जिगर गोशा इक्तदार के भेड़िए की खुराक बन जाए। नारिया, जुबैर के बेटे मुख्तार की औलाद से भी घबराते हैं। उनके हाथ साबित तक पहुंच जाए तो वो उसे मार डालेंगे। ये मनुस महल भी तुम लोगों को डस लेगा। इन्ना महल उसरे युसरा। बेहतर होगा कि तुम भी महल में ही रहो। मैं ऐसा नहीं कर सकती मुख्तार, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हें अजियत दी है ताकि तुम्हें बचा सकूं। जब मैं तुमसे ना उम्मीद हो गई तो मैंने अपने बेटे से उम्मीद लगा ली, क्योंकि वो तुम्हारी बू रखता है। अफसोस, मुकद्दर यही था कि मेरी तमन्नाएं बर्बाद हो जाए। जाहिर है यह भी मुख्तार से मोहब्बत करने का बदला है। नारिया, ये मत भूलना कि तुम उस शख्स की बीवी हो जो अपनी गैरत और शराफत का किसी भी मोती के बदले सौदा नहीं करता। साहिब, उम्रा कहाँ है?
बदकिस्मती से बानो उम्र जुबेरियों के हाथों कैद हो चुकी हैं। दुरूद हो अमीर मुसब इब्ने जुबैर पर। आप पर भी दुरूद हो। क्या ताजा खबरें हैं जनाबे नाज़िम शहर? कूफे के तमाम तर छोटे रास्ते खोल दिए गए हैं। कूफे के कुछ लोग अमीर का इस्तकबाल करने की तैयारियां कर रहे हैं और कुछ लोग खामोशी इख्तियार करके घरों में बैठ गए हैं। असली दरवाजा और महल के सामने का मैदान मुख्तार के साथियों के हाथ में है। काश हम असली दरवाजे से कूफे में दाखिल हो पाते, ना के छोटे मोटे दरवाजों से अजनबियों की तरह। भाई, हम चाहे तो असली दरवाजे पर हमला करके रास्ता खोल सकते हैं। एक निहायत ही खतरनाक काम होगा। वो क्यों? कूफे के असली दरवाजे पर हमला करने से मुख्तार को इस बात का बहाना मिल जाएगा कि कूफे के गैर जानिबदार अफराद को जोश दिला के जंग की आग भड़काने का इल्जाम हमारे सर पर डाल देगा। तुम्हारी क्या राय है मोहल्लब? मैं जनाब नाजिम की राय से मुत्तफिक हूँ। शहर कूफा के अंदर जंग लड़ना हर लिहाज से हमारे लिए नुकसानदेह और खतरनाक है। हमारे सिपाही कूफे में अजनबी हैं, मुद्दतों से अपने घरों से दूर हैं और फिराक को काट रहे हैं। जंग के दौरान खाना पीना जमा करना भी एक कठिन काम है। कूफियों को शहर में हमारे होने से नामन होने का एहसास नहीं होना चाहिए, वरना हमारा काम मुश्किल हो जाएगा। तवक्को इस बात की है, मुख्तार ये चाहता है कि हमें और कूफे के लोगों को आपस में लड़वा सके। मैं ये मशवरा दूंगा कि झगड़े से गुरेज कीजिए। हमारा कूफे के लोगों से जो भी बर्ताव होगा वो जंग के अंजाम का तायुन करेगा। ठीक है इब्ने हुर, हम लोग छोटे रास्तों से कूफे में दाखिल होंगे। तुम कूफे और कूफियों को बखूबी जानते हो। मोहल्लों और कबीलों के अखलाक के मुताबिक ही शहर के अहदेदारों का तायुन करो। खसूसी ताकीद करो कि वो लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए। लश्कर वालों की जरूरियात को मुनसिफाना कीमत पर खरीदो। किसी की नापाक नजरें लोगों के नामूस पर ना उठें और ना ही कोई शख्स उनके माल पर लालच रखे। खताकारों को शदीद तरीन सजा सुनाए, कोई गलती ना हो। जी अमीर। بانو عمره همسر مختار و دختر نعمانه بودن وزیر کی بیٹی ہم سے اتفاقا نہ ملی ان کے کارواں کو احترام کے ساتھ روک لیا گیا ہے تاکہ آپ خود ان کے بارے میں حکم فرمائیں سن رہے ہو محلب خدا ہر طرف سے ہمارا ہی مددگار ہے ہمیں شکار کرنے کی زحمت ہی نہیں کرنی پڑی شکار خود چل کر ہمارے جال میں پھنس گیا کہاں ہے آپ سے چند قدم کے فاصلے پر ہے اگر آپ مائل ہوں تو اسے آپ کے پاس لے کر آؤں نہیں ناظم شہر نہیں हम खुद उनके दीदार को जाएंगे।
یہ عورت مختار سے دور کیسے رہ گئی؟ یہ عورت رفتا کے گاؤں کی رہائشی ہے، اس نے نکلنے میں دیر کر دی اور مختار تک نہیں پہنچ سکی۔ کیا یہ وہی عورت ہے جو مختار کی ہم فکر ہے؟ جی، میں نے سنا ہے یہ مختار کے خاص حامیوں میں سے ہے۔ وقت تمہارے ساتھ ہے مصعب، اس عورت کو قید کر کے ہم مختار کو آدھی شکست تو دے چکے ہیں۔ میرے جاسوسوں نے مجھے خبر دی ہے کہ سمرہ ابن جندب مختار کی پہلی بیوی بھی گھر میں رہ گئی ہے اور محل جانے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ عورت مختار کے عقائد سے سخت خلاف ہے۔ سمرہ ابن جندب کو جانتے ہو محلب؟ کسی حد تک، وہی شخص جس پر رسول خدا نے لعنت فرمائی تھی۔ ہاں، خدا کی قسم اسی رشتے کی وجہ سے مختار گمراہ ہے اور اس سے جنگ کرنا جائز ہے۔ یہ تو پہلی در پہلی ہو گئی ہے۔ کیسے؟ شاید مختار کی بیویوں کا اس سے دور رہنا بھی ایک جال ہو۔ کیسا جال؟ کیسی پہلی؟ اب تک تو نہیں سمجھ پایا، صرف اتنا جانتا ہوں کہ ہمارا مختار کہل و عیال سے تندخوئی و نرمی کا برتاؤ ہمیں لوگوں کی نظر میں شیطان یا فرشتہ بنا سکتا ہے۔ نا نا، تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بانو، اندر تشریف لے جائیے، سائے میں آپ عراق کی تیز دھوپ سے محفوظ رہیں گی۔ مجھ سے کون بات کر رہا ہے؟ مصعب ابن زبیر۔ جناب مصعب، عراق کی دھوپ اجنبی کو جلا دیتی ہے، مگر یہی عراق کی دھوپ عراقیوں کے لیے ماں کی آغوش کی طرح گرم ہے، زندگی بخش اور گرم جوشی عطا کرتی ہے۔ مطلب ہم عراق میں اجنبی ہیں؟ آپ حجاز سے آ رہے ہیں، فیصلہ آپ ہی کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ عراق میں اجنبی ہیں یا نہیں۔ تمہارے شوہر نے مجبور کیا کہ ہم عراق کی طرف لشکر کشی کریں اور ایسی جنگ شروع کر دیں جو صرف بھائی بھائی کا قتل ہے۔ اگر مختار کو آپ لوگوں سے جنگ کرنی ہوتی تو وہ حجاز کی طرف لشکر کشی کرتا۔ کیا اس نے حجاز کی طرف لشکر کشی نہیں کی؟ لکڑی لاٹھی لے کر خانہ کعبہ کے صحن پر ٹوٹ پڑے اور زدو کوب کر کے لوٹ مارنا چاہیے۔ کعبہ ہر میں امن ہے اور جنگ صحنے کعبہ میں حرام ہے۔ ہاشمی سید کی جان بچانا کیا لشکر کشی کہلاتا ہے؟ بانو، آپ کے جادوگر کذاب اور صفاق شوہر کو حرورہ میں شکست ہو چکی ہے، آپ ہماری قید میں ہیں، ایک فاتح کی طرح کیوں بات کر رہی ہیں؟ ہر گرنے کو شکست کا نام نہیں دیا جاتا جناب موسف، اگر آپ مختار کو میری طرح پہچانتے تو اپنے پیروں سے چل کر کوفے کے بھور میں نہ پھنستے۔ آپ کیا قائد اور افکار افسوسناک ہیں بانو، آپ ہماری مہمان ہیں، ادب اور اسلام دونوں کا یہ تقاضا ہے کہ ہم مہمان کو محترم جانیں۔ کوفہ ہمارا گھر ہے، آپ غاصب ہیں جو گھر والوں کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں گھس آئے ہیں، اور پھر غاصب ہیں کیونکہ اپنے آپ کو گھر کا مالک کہنے لگے ہیں۔ آپ اس دسنے والی زبان سے مجھے غصہ نہیں دلا سکتی محترمہ، ہم مسلمان ہیں اور ایسے حالات میں ہیں صبر اور خاموشی کا حکم ہے اور توکل بھی۔ ابن حر، اس خاتون کو حفاظت کے ساتھ کوفے لے جائیے اور مختار کے گھر میں ٹھہرائیے۔ جب آپ کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، مجھے میرے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دیجیے۔ یہ نہیں ہو سکتا، جو منحرف افکار آپ کے ہیں ان کے مطابق جائز نہیں ہے کہ آپ مختار کے پاس جائیں۔